काटा ना भरा जाए तो मर जाओ हट जा सब का लेना उधर लो ना ठीक है ठीक है देखिए अभी कितना टाइम हुआ है 10-15 मिनट के आधा घंटा हो गया आधा घंटा और देखिए आप आप तो ये जंगल झाड़ी खुद ही समझ सकते हैं जब हम लोग जंगल झाड़ी में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ जानवर आना जाना करेंगे सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके बारे में जानकारी जैसे आप लोगों ने कहा काला है तो काला का मतलब है वो कोबरा फनिक नाग भी हो सकता है और उसके बाद है कि धामिन भी हो सकता है या तो पानी वाला डोढ़ा भी हो सकता है कोई भी कलर हो सकता है ये सांप जो है इसको कहते हैं धामिन जैसा भी हमने देखा बाबा वो हटा ना उसको हर जा हर जा देखते रहो है कि नहीं जा तो रहो जा थोड़ा वीडियो बंद कर देना पूरा आपका यहाँ पे भैया लोग जैसे सांप पकड़ने वाले हैं लेकिन ये पूरे चिकन कर दे रहे हैं दीपक बोल देना नहीं मेरे को पैसा मिल जाएगा शांत रहो अभी नहीं उल्टा सीधा मत बोलना नहीं नहीं हां तू नहीं मार ला दिमाग सही जाएगा उनका है वीडियो डालेंगे ना YouTube पे ना वीडियो डालने का मतलब है कि और जो लोग हैं जानकार रखेंगे हां और हम आपको बहुत जानकार रखेंगे एक लोग यार आओ जो मैंने कहा है कि एक लोग यहां से पलटवाने का बड़े भैया आगे आइए आओ ना सुन जाओ रे ए लगा हुआ कागज उठा दे धर आओ लोंगरे को उठो उठो अरे पलट दे दीजिए तोरे भी लादर कर आगे तोरे आवा तोरे जात का आवा सकल 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 जल्दी आवा तो हारा दोस्त लगे जल्दी आवा पढ़ा रहा तुरंत क्या कर रहा है जाओ जल्दी जाओ कोई एक बार थोड़ा अपने मोबाइल का फ्लैश दिखाई तो दे दे मोबाइल दे दे ना फ्लैश फ्लैश बार के दे जला कर दे जा मोबाइल दे 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 पलटने का मतलब है कि उसको भी की ना हम लोग मेहनत करके उसको ईटा लगा लो माता में उसको चाहे तो तोड़ सकते हैं कोने से ये हाँ ना टूटी जान हो हेवान हेवान जो तुम बाबू बुलाओ हीरा वा हीरा यहाँ का होता तो मैं आपका मंगाता जाना होना गंदास अंकल का खाओ बहन ये पकड़ हाँ जाती पकड़ो पकड़ो इधर आओ पत्थर एक आध लोग ले लिए पत्थर की जैसे उठाए तो उसके अंदर पत्थर डाल दिए ताकि वो दबे चलिए लगा ना कोई दिक्कत नहीं हर भाई पलटा
जांगरा नहीं अरे जाम अंकल जी साइड में से जाम दिखा रहा है साहब दिखा रहा है हाँ उसी में है मैंने खाली ऊपर जो वीडियो लगा रहे हैं ना वीडियो बना रहे हैं देखिए हमारे भैया जी जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इनके लिए एक लाइक और एक कमेंट यस मास तुम्हारा मोबाइल जाएगा घर जो घर जो घर जो एक वीडियो नहीं करे अभी तो रात हो जाएगा वीडियो बढ़िया बनाइएगा आप लोग आपको नहीं देंगे हम बंद कर दो हाँ एक रही पावन प्लस लीजिए लाइट उससे मत वो पतला बांस वाला है ना उससे दिखाते लाइट हटाना भी मोए धरा रे वो देख हटल चलेगा हिला है अरे बस देखो तो मोट का बात देखना उधर भागा लगा उधर भागा लगा उधर इधर हटाना की कहते कैसे हटी उठाइए उठा देखो देख इधर आ मतलब गांव नहीं हो इधर ही वापस आया तो देखो देखो इसके नहीं इसके नहीं इसका और इसके नहीं रे थोड़ा सा वो देखो जब वो दे वहां ना मोटका हाथ से पकड़ दो हो दे हाथ से पकड़ दो ना ओकरे से लेवा उसको दंडवा का आगे ऐसे उसी में ऐसे से हिलाई हिलाई मोटा बा देख मोलिया देख जूम कर थी ना देख चुप गरिया मत स्टोरी लगे मोट बार नहीं निकली देख कर ना मोट बार झोरवा मिल गई तो रात बन बोल उज्जर कर दिया इधर ये अंपरा से छोड़ के बिटिया देखे थे लंपड़ घर उठाता नहीं कोई डराता नहीं Yeah.
एक्शन कैमरा कोई काम था अगवा दिखा रही वन प्लस उठना का यार उठा जंक पॉइंट पानी के उठा हटा हटा आगे छटा भाग ना रे पंडित बाबा ओ देखो आओ डाली लकड़ी का सही बोलवा गजब बड़ा भाई देखे कितना मेहनत कराना देखिए हमको लग रहा है कम से कम आधा एक घंटा हो गया इसको निकालने में। तो ये पटिया जो है बड़ा भारी था, नहीं तो हम लोग इसको दो मिनट में निकाल लिए होते। पटिया के चक्कर में कि इसको चोट ना पहुंचे इसलिए आराम से लोग निकाले हैं। कौन सा आप लागे? इसको असरिया बोलते हैं, थामिन बोलते हैं। देखिए ये हमसे भी बड़ा है। बड़ा है। ये कम से कम 6-7 फीट का है। कैमरा वाले तो देखिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि देखिए प्रकृति में जो भी बनाया गया है, भगवान ने जो बनाया उसका कुछ ना कुछ मकसद है। बिना मकसद के कोई यहाँ आया नहीं है। देखिए इसका मकसद है कि जो जितना भी आपके घर के पास चूहा है, गिलहरी है, छिपकल है, उनको खा के जीता है मेढक उड़क को। और इसको अधिकतर लोग खेती वाला ही सांप समझते हैं, क्योंकि धामिन जो है खेत में रहना पसंद करती है। और ये और देखिए इसकी कहावत आप सुने होंगे कि ये पूंछ मारता है तो सड़ जाता है। सुना होगा कि ये इसी को बोलते हैं ना, दिखाओ इधर, कि पूंछ मारता है तो सड़ जाता है। तो ये सब बकवास है, ऐसा कोई कहावत नहीं है कि क्योंकि देखिए कोई भी दुनिया में सांप है उसके जहर पूंछ में नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। आइए इधर आइए, गाड़ी को जाने दीजिए। काफी मेहनत तो करवाया है भैया, काफी आ रहा है एक घंटा। देखिए आप पास आइए, अब देखिए कोई इसको देखिए छू के देखिए, जो एक कहावत है कि पूछ में मारता है तो पूछ इसका छू के देखो, या कोई छुए इसको देखो, आराम से छुओ छुओ। तो देखो इसके पूंछ में कोई कांटा या कोई जहर ऐसा कुछ नहीं। ये हम लोग का अंधविश्वास है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई पूंछ में है। और देखिए मेरा चैनल है राहुल स्नेक अनपरा यूट्यूब पे, उस पर आपको सारे सांपों की जानकारी मिलेगी। जितने भी अपने आसपास में रसलवाई पर कोबरा, तो उनकी सबकी जानकारी। तो देखिए मैं आप एक दरखास्त करूंगा कि देखिए अभी गर्मी चल रहा है तो सबके घर के पास कुछ पानी रखा होगा कुत्ता के लिए, गाय के लिए, तो उसको हमेशा भरते रहे। क्योंकि देखिए इतना ज्यादा उमस है, गर्मी बेचारे किसके साथ रहे, यहाँ भटक रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, गाय के लिए बोल रहा हूँ, गाय चिड़िया उनके लिए पानी आप रखते हैं ना, क्योंकि बेचारे पानी तो ठंडा खोज रहा है। हाँ ये तो ठंडा खोज रहा है। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ठीक है भैया, सब लोग बढ़िया लगा ना। तो देखिए अभी जो हम लोग ने ये रेड स्नेक पकड़ा, इसको हम लोग ने पकड़ा है ककड़ी की तरफ, जो बहुत बड़ा मुश्किल से बड़ा निकला हाथ में। हमारे चोट भी लगे, मगर भी कोई बात नहीं, सांपों को बचाने में तो चोट लगेगा ही। और देखिए ये कितना बड़ा है, ये कम से कम 6-7 फीट से कम का नहीं है। मेरे सरे में मार दे रहा है पूंछ, देखिए तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और ये बिल्कुल जहरीला सांप नहीं, इसको कहते हैं धामिन, बड़ा पछाड़ असरिया कहते हैं। ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बड़ा कारगर सांप है। इससे हमको फायदा है, नुकसान थोड़ा सा भी नहीं। लोग डर के मारे इसको मार देते, सोचते काफी बड़ा है तो मार दिया। देखिए अब इसको मैं छोड़ रहे हैं पास से लोग, तो देखिए अभी ये पास जाओ वो देखिए भैया। तो आप लोग का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। देखिए वो चला गया, नीचे नाली है, पानी है, वहाँ वो आराम से चल जाएगा। ठीक, थैंक यू।